विप्रांजलि टीवी के अपडेट्स तुरंत पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही जितना हो सके हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करके अपना अपना देते रहिए। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विप्रांजलि। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2019 के राशिफल की, तो आइए विस्तार से जानते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, काम धंधे, अर्थव्यवस्था, प्रेम और दाम्पत्य के लिए साल 2019 आपको कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। इस साल आपको कितने भाग्य स्टार्स मिलेंगे और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि किन उपायों को करके आप और बेहतर नतीजे पा सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि आप लग्न राशि के आधार पर इस राशिफल को देखेंगे तो परिणाम अधिक सटीक रहेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि के स्वास्थ्य की। हालांकि इस वर्ष प्रथम भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, लेकिन क्योंकि विद्वान लोग केतु की पंचम दृष्टि को भी महत्व देते हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो 23 मार्च 2019 से केतु की पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर रहेगी, जो स्वास्थ्य पीड़ा का कारण बन सकती है। साथ ही राहु तीसरे भाव में अधिकांश समय तक रहेगा, ऐसे में वह श्वसन संबंधी कुछ परेशानियां दे सकता है। ऐसे में यदि आपको पहले से श्वसन संबंधित कोई तकलीफ है या बाजुओं में कोई दर्द इत्यादि रहता है तो उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। साल के 9 महीने बृहस्पति भी आपके अष्टम भाव पर प्रभाव डालेंगे, जो पंचम भाव का स्थायी कारक भी बृहस्पति होता है। ऐसे में पेट से संबंधित कुछ तकलीफें या पाचन संस्थान से संबंधित कुछ परेशानियां इस वर्ष आपको हो सकती हैं, रह सकती हैं। साथ ही आपको वाहन आदि चलाते समय सावधानी से ड्राइव करने की सलाह भी दी जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना जरूरी रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या की संभावनाएं नहीं है। और अब बात कर ली जाए आपकी शिक्षा की। उच्च शिक्षा का स्थायी कारक बृहस्पति इस वर्ष आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेगा। वैसे तो अष्टम भाव में यह गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन अष्टम भाव में होकर के बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेगा, ऐसे में उच्च शिक्षार्थियों को अच्छे परिणाम दिलाने में बृहस्पति मदद करेगा। बशर्ते आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अर्थात यदि आप मेहनती हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। शोध के विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। प्रारंभिक शिक्षार्थियों को थोड़ी अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी, यानी यदि आप निष्ठापूर्वक अध्ययन करेंगे तो निश्चित है आपकी सफलता का ग्राफ सम्मानजनक बना रहेगा। विशेषकर यदि आप शोध के विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की सुंदर संभावनाएं बन रही हैं। आइए बात कर लेते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। आर्थिक मामलों की बात की जाए तो इस साल धन का कारक बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेगा, जो आमदनी या बचत में आंशिक व्यवधान का संकेतक है। लेकिन अष्टम भाव में होने के बावजूद बृहस्पति धन भाव पर पूर्ण रूपेण प्रभावी रहेगा, इस कारण अचानक धन प्राप्ति के योग भी निर्मित होंगे। ऐसे में यही कहना उचित रहेगा कि अचानक धन प्राप्ति के योग भी हैं और बचत होने की संभावनाएं भी हैं। सारांश की आमदनी के मामले में थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है, बहुत अधिक नहीं, थोड़ी सी, यानी कि तुलनात्मक रूप से आमदनी कम रह सकती है, लेकिन बचत होने की सुंदर संभावनाएं हैं, अच्छी संभावनाएं। तो पुरुषार्थ करिए, अपनी आमदनी को बढ़ाइए और इस वर्ष अपनी आर्थिक स्थिति को सुंदर और मजबूत बनाने का प्रयास करिए। अब बात कर ली जाए आपके प्रेम और दाम्पत्य की। प्रेम और दाम्पत्य के मामले में इस साल अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। देखा जाए तो पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, वहीं केतु की नवम दृष्टि को महत्व दें तो उसका प्रभाव कुंडली के पंचम भाव पर रहेगा। यही हाल सप्तम भाव का है, वहां कोई विशेष शुभता नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता राहु की पंचम दृष्टि अगर मानी जाए तो वो कुंडली के सप्तम भाव पर रहेगी, यानी केतु प्रेम संबंधों में निरस्ता देने की कोशिश करेगा तो राहु दाम्पत्य जीवन में।
फलस्वरूप जीवन साथी का स्वास्थ्य कभी कभार कमजोर हो सकता है या रह सकता है, अथवा एक दूसरे के बीच कुछ मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको कोशिश करना है, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का आपसी संदेह, आपसी वैमनस्य न उपजे। बृहस्पति जो कि सौभाग्य का कारक है, दाम्पत्य सुख का कारक है या घरेलू जीवन में सुख शांति देने का कारक है, वह अष्टम में है। इस कारण से वह सौभाग्य देने में विलंब कर सकता है। हाँ, वर्षांत के महीनों में उसकी स्थिति सुधरती नजर आ रही है, यानी प्रेम और विवाह दोनों मामलों में इस साल सावधान रहने की जरूरत रहेगी, सावधानी से काम लेने की जरूरत रहेगी। वर्षांत में जो कुछ भी वैवाहिक मामले संपन्न कराने हैं उन मामलों में अनुकूलता के योग बन रहे हैं। और अब बात कर लें आपके काम धंधे की। कार्य व्यवसाय और काम धंधे के लिए यह वर्ष औसत अनुकूल रह सकता है, यानी एवरेज रह सकता है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी शनि अपने से द्वादश भाव में है, अर्थात नवम भाव में है। वैसे देखा जाए तो अगर दशमेश केवल अपने से द्वादश में होता तो परेशानी अधिक होती, लेकिन कर्म से द्वादश भाग्य भाव होता है, तो भाग्य क्योंकि अच्छी बात है, तो ऐसे में भाग्य और कर्म का संगम बनेगा, फलस्वरूप आपको परिणाम जो मिलेंगे वो संतोषजनक मिलेंगे। हालांकि बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, अधिक मेहनत करना पड़ सकता है, तो अधिक मेहनत की जरूरत रहेगी, उसे आप पूरा करिए। और यदि आपका संबंध किसी दूर के स्थान से है, विदेश से संबंधित कोई काम आप करते हैं, तो अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावना है। यदि आप तकनीकी कार्यों से जुड़े हैं तो साल सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देगा, ऐसे योगायोग बन रहे हैं। यदि आपका काम धर्म कर्म से संबंधित है, यानी आप धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित हैं, तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, इस बात के योगायोग निर्मित हो रहे हैं। राहु की तीसरे भाव की स्थिति को देखते हुए सुझाव यह भी है कि दिमाग में आ रहे कि सारे के सारे विचार बहुत ही फायदेमंद हों, ये जरूरी नहीं है, अतः जो भी करें एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के करें। यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि जो आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं और आप जिस काम धंधे के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो वास्तव में कितना सही है, सही है भी या नहीं। अगर आप इस बात का ख्याल रखकर प्रयास करेंगे तो परिणाम तुलनात्मक रूप से अच्छे रहेंगे। सारांश यह कि मेहनत करने वालों के लिए यह साल संतोषजनक परिणाम देगा, लेकिन यदि आप मेहनत करने से बचने के इरादे में हैं तो करियर के मामले में साल आपको थोड़ा कठिनाई दिखा सकता है। और अब बात कर ली जाए आपके भाग्य स्टार्स की। साल 2019 को 5 में से 3 स्टार्स देने में कोई इतराज नहीं, यानी इस साल आपको 5 में से 3 स्टार्स मिल रहे हैं। और चलते चलते बात उपायों की। यदि परेशानियां हो तो उपाय के रूप में शनि, गुरु व केतु की विधिवत शांति करवाइए, और हर महीने के तीसरे शनिवार को 4 जटा वाले नारियल बहते हुए पानी में बहाइए, और साथ ही साथ हो सके तो गणेश जी की पूजा अर्चना भी नियमित रूप से करते रहें, अथवा किसी जानकार ज्योतिषी को व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाइए और आपको कौन से ग्रह गोचर प्रभावित कर रहे हैं, कौन सी दशाएं आपके पर प्रभावी हैं, उनका उपाय जानिए, उनको संपन्न कराइए और बेहतर परिणाम पाइए। यह राशिफल ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली के अनुसार आपको अलग परिणाम भी मिल सकते हैं, अतः सटीक फलादेश के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फोन करके अपना सशुल्क अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली दिखवाइए और उचित परामर्श प्राप्त करिए। पुनः स्पष्ट कर दें कि हमारी आजीविका का यही इकलौता माध्यम है, अतः हम एक छोटी सी कंसल्टेंसी फीस आपसे चार्ज करते हैं, उसे जमा करिए और अपना भविष्य जानिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन विदा लेने से पहले एक विशेष संदेश। स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।